तीनों मिलके ही इसको सफल बना पाई। गीडा थाना क्षेत्र के राप्ती पुल पर सफाई कर्मचारी की मौत के बाद भड़के ग्रामीणों ने शव रख कर बनारस हाईवे को जाम कर दिया, जिससे घंटों आवागमन बाधित रहा। वहीं जाम की सूचना पर मौके पर पहुंचे नगर निगम व पुलिस के अधिकारियों ने काफी मान मनोबल के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सर हमको भरोसा नहीं है, आप नहीं भरोसा है, चौथा मैटर है, हमको रिटर्न चाहिए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मृतक के मोहल्ला वासी ने बताया, हमारे कर्मचारी हैं, नगर निगम के कर्मचारी थे, ये नगर पुल पे राजघाट पुल पे इनका नौकरी मतलब अपना सफाई कर रहे थे, तो सफाई करते दौरान एक ट्रक वाले ने टाली वाले ने इसको टक्कर मार दिया। उसी वक्त आंधेपेट सदर हॉस्पिटल गए, वहाँ से रेफर किए, ये चले गए वहाँ मेडिकल, वहाँ पे जाने के बाद आधे रास्ते में इनकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद जो न्यूज़ बना नगर निगम के तरफ से, जो न्यूज आया था कल के, जो नगर निगम की तरफ से न्यूज आया था, ये लिखा गया था उसमें कि रात को ही इनको इनके घर पे 1,00,000 का चेक दिया गया, जो कि सरासर फर्जी है। यहाँ तक कि कोई देखने तक भी नहीं आया था, घर पे कोई हाल चाल भी लेने नहीं आया, ऊपर से कह रहे हैं कि 1,00,000 का चेक दे दिया गया है। मांग हमारा यही है कि इनके परिवार वालों को कम से कम 20-25 लाख रुपए की नगद मिले, और उसके बाद से इनके फैमिली वाले इनके इनके पत्नी को नौकरी मिले, वो भी गवर्नमेंट नौकरी मिले, संविदा पे नहीं, ना ही ठेका पे, सीधे उनको सरकारी नौकरी मिले। नगर निगम के जो भी अधिकारी आए, अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है, अभी जब वही केवल मौखिक ही दे रहे हैं, बाकी लिखित कोई भी प्रमाण हमको मिला नहीं है अभी।